ज्यादातर हमारी सिंधी वीडियोस होती हैं जिसमें हमने अजरक पहना हुआ होता है या हमने सिंधी कपड़े पहने हुए होते हैं। पहले तो मैं नॉर्मल ही थी कि जैसे सब टिकटॉकर्स होते हैं, मैं भी ऐसे ही टिकटॉक पे थी। और फिर मैंने देखा कि अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, ना व्यूवर्स थे ना लाइक्स थे, तो मैंने फिर सोचा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए। लाइक तो फिर मैंने सिंधी सॉन्ग्स की तरफ और सिंधी वीडियोस बनाने की तरफ थोड़ा सा ध्यान किया कि मुझे सिंधी वीडियोस बनानी चाहिए। फिर मैंने सिंधी वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, इनिशिएटिव लिया। तो मैंने देखा कि हमारा कल्चर बहुत कम नज़र आ रहा था। मैंने सोचा कि अगर कल्चर कम नज़र आ रहा है तो शायद इसमें हमारी कोई कोताही है। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने कल्चर को थ्रू टिकटॉक सोशल ऐप के ज़रिए, मैं बिल्कुल कहूँगी कि हमारे पेरेंट्स, हम जितने भी पेरेंट्स हैं जो टिकटॉक यूज़ करते हैं, अपना कल्चर प्रमोट करते हैं, उनमें हमारी फैमिली का एक बहुत सपोर्टिव हैंड है। क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और आपको कॉन्फिडेंस मिले कि कुछ भी करने की इजाज़त देती है, तो मैं समझती हूँ कि फिर आप माशाल्लाह वैसे ही कामयाब हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट 2 मिलियन फॉलोअर्स और तकरीबन 1 मिलियन मेरे 8 to 9 months के टाइम में हो चुके थे। फॉलोवर्स तो मेरे माशाल्लाह सिर्फ सिंध में नहीं है, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। दुबई से, सऊदी अरब से, ओमान से, कुवैत से, वहाँ पे बहुत सारे सिंधी मेजॉरिटी में लोग रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। मैंने तो एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें उस पर लिरिक ये था कि सऊदी वारन जो खैर, दुबई वारन जो खैर, मतलब उसमें ये था कि दुबई वाले खैर से रहें और सऊदी अरब वाले खैर से रहें।